ऐसा कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मैंने इतना कोई बड़ा काम नहीं करा है जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करूं, लेकिन हाँ एक का ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैंने कुछ टीचर्स को मैं मिली, और वो टीचर्स थे, वो हिमाचल प्रदेश में बड़े रिमोट एरिया में पढ़ाते हैं, तो वो भी किसी ऐसे ही वर्कशॉप में हम मिले उन्हें, और उन्होंने एकदम मुझे देखते हुए मेरे पांव छुए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे गणित को आनंद के साथ सीखे, महत्वपूर्ण गणित सीखे, किन गणितीय तकनीकी का कहाँ इस्तेमाल किया जाना है, बच्चे गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत करना और हल खोजना सीखे, इन सभी बातों की पैरवी एनशीएफ 2005 वर्षों से करता आ रहा है। लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जैसे जैसे बच्चे बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गणित के प्रति डर और भय उत्पन्न हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या हमारी शिक्षण प्रक्रियाएं इस तरफ ध्यान देती हैं, या कोई ऐसा अप्रोच है जिससे बच्चों की गणित के प्रति रुचि पैदा हो? जी हाँ, कुछ लोग निरंतर रूप से इस तरीके के प्रयास कर रहे हैं, अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं में बदलाव कर रहे हैं, और उनमें से एक है संगीता जी गुलाटी। संगीता जी गुलाटी 2016 में नेशनल ICT अवार्ड से सम्मानित हैं और गूगल सर्टिफाइड इनोवेटर और ट्रेनर भी हैं। संगीता जी अभी संस्कृति स्कूल नई दिल्ली में गणित टीचर के रूप में कार्य कर रही हैं, और इनके बच्चे गणित से डरते नहीं हैं बल्कि गणित की कक्षा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इनकी कक्षा में बच्चों को गणित और टेक्नोलॉजी दोनों का एक्सपोजर मिलता है, जहां बच्चे किसी भी कंसेप्ट को विजुअलाइजेशन, कंसेप्ट की क्लियरिटी और फन के साथ एक्टिव लर्निंग करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं संगीता जी का डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में। नमस्ते मैम, डिजिटल टीचर कहानी शो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू, आपने हमें यहाँ के लिए चुनाव किया और हमारा को यहाँ पे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत की शुरुआत से पहले तो हम बड़े ही उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि गणित को एक अमूमन लोग जो हैं वो कठिन विषय के रूप में देखते हैं, और हमने आपकी प्रोफाइल देखी है और आपका काम देखा है तो लग रहा है कि आपकी बहुत ही ज्यादा रुचि रही है गणित विषय के प्रति, तो क्या कारण है वो जिसकी वजह से इतना लगाव आपका रहा है गणित के प्रति? अब जैसे देखा जाए तो अभी मेरा ये 30वां साल है मैं गणित पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों को, और गणित के शिक्षक कैसे बने ये कहना एक तरह से मुश्किल है, क्योंकि मेरे को शुरू से ही पढ़ाने का शौक था। लेकिन मैथ्स क्यों मेरे लाइफ में आया, शायद मैं अगर कहूँ तो मिखल अपने जो हमारे स्कूल में टीचर थे जिन्होंने मुझे 7 से लेकर 10 तक एक ही टीचर हमें मैथ्स के मिले थे, आई थिंक क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पढ़ाया था उससे कॉन्सेप्ट्स जो होते थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए थे। वो जो डर होता है ना मैथ्स का, वो नहीं आया था मन में कभी भी, और ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ हम खुद अपने आप मैथ्स पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे, तो शायद कहीं ना कहीं उनका हाथ इसमें रहा है। और आगे चलकर भी मुझे कॉलेज में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से करी है, वहां पे भी मुझे जितने भी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स मिले उन्होंने सबने बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाया, और आई थिंक टीचर का जो एक इन्फ्लुएंस है वो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा रहा, और इसी तरह आगे कहानी बढ़ती गई और पता नहीं चला कब हम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। तो इसलिए कहना, एक चीज कहना मुश्किल है, बहुत चीजें होती हैं लाइफ में जो काम करती हैं, लेकिन आई थिंक टीचर्स का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैडम कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है शुरुआत से ही, कि टीचर का जो रोल है वो काफी इन्फ्लुएंस रहा आपके लिए गणित के प्रति रुचि बनने में। तो अभी तो आप भी एक शिक्षक हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी। तो बातचीत के अंदर यही निकल के आता है कि आपने मैथ को काफी सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास किया है, तो वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरीके से आपने मैथ को एक सरल और प्रभावी तरीके से
शिक्षण करवाने की तरफ आप बढ़े, बच्चों का इंटरेस्ट इसकी तरफ लेके आए, वो किस तरीके के प्रयास थे और शुरुआत कहाँ से हुई थी? जैसे मैंने बताया, मैं पीछे 30 सालों से, ये 2020 जो था, मैं उसको बार बार बोलती थी बहुत स्पेशल साल है क्योंकि 30 साल हो गए थे मुझे मैथ्स पढ़ाते हुए। तो उसमें कम से कम उससे 25 साल पहले मुझे एक मौका मिला था, CIET NCERT जो है वो वीडियो लेसन्स बनाती है, तो तब मेरा वहाँ पे किसी के थ्रू वहाँ पे मैं गई, इंटरव्यू दिया, डेमोन्स्ट्रेशन दिया और वहाँ मेरा चयन हुआ था। तो वहाँ से मैं 25 सालों से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, वहाँ पे मैं वीडियोस बनाती हूँ और हम वो जो वीडियोस हैं 11th और 12th के मैथ्स के ही होते हैं और वो बच्चों को बहुत पसंद आते थे, दूर दूर तक लोगों ने देखे थे इन्हें। तो मुझे तब से लगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो कभी खत्म नहीं होती है, जो भी आप उसमें काम करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फायदा दे रहा होता है। तो शायद मैं कहूंगी शुरुआत वहां से हुई। लेकिन 2000 में मैंने जो अभी मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, संस्कृति स्कूल जो नई दिल्ली का है, तो 2000 में जब हमने शुरू किया यहाँ, तब वहां पे जो हमारी प्रिंसिपल मैम थी, जो फाउंडर प्रिंसिपल थी मिसेस गौरी ईश्वरन, उन्होंने हम सब टीचर्स को एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जबरदस्ती बोला नहीं सबको करना है। तब 2000 में हमने कंप्यूटर पे कभी हाथ नहीं रखा था, हमने कभी, मुझे नहीं पता था कि उसको ऑन कैसे करते हैं या क्या हो जाएगा अगर कुछ गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने हमें वो प्रोग्राम में ट्रेनिंग, इंटेल टीच टू द फ्यूचर ऐसा प्रोग्राम था इंटेल का, तो हम सबने, वो टीचर्स ने जब शुरू किया तब अटेंड करा और वो जो एक मजा लगा और जो स्वाद एक आया वहां से कि हमने कहा कि इससे तो बहुत फायदा होगा बच्चों को, कुछ ना कुछ जो चीजें मुश्किल दिखती हैं वो हम आसान तरीके से बच्चों तक ले जा सकते हैं। तो वो तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर आगे इसी तरह बढ़ती रही, इंटरेस्ट बढ़ता रहा, टेक्नोलॉजी भी अपने आसपास बढ़ती गई क्योंकि जिस टाइम से मैं पढ़ी हूँ और जितने सालों मैंने पढ़ाया है तब टेक्नोलॉजी इतनी थी भी नहीं हमारी जिंदगी में। फिर 2011 में मुझे फुलब्राइट डिस्टिंग्विश अवार्ड में चयन हुआ, जहां पे मैंने अपना जो रिसर्च टॉपिक, हमें एक रिसर्च करनी होती है, मिनी रिसर्च कहें तो वहां पे भी मैंने टेक्नोलॉजी का ही चयन किया, मैथ्स में पढ़ाने में और सिखाने में हम टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी 5-6 महीने मेरी जिंदगी में बहुत असर लेके आया है क्योंकि मुझे बहुत मौका मिला लोगों से मिलने का, सीखने का। तो ऐसा कहें तो उसी से ही एक तरह से शुरुआत हुई और लंबा सफर है और अभी आगे और करना है, लेकिन अब जिंदगी में बहुत कुछ और मौके मिल रहे हैं, प्लस टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसी तरह सिलसिला चल रहा है अभी। लेकिन ये आपने बहुत ही अलग तरीके से सोचा, क्योंकि अमूमन लोग जो हैं वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी और साइंस का कोरिलेशन बहुत जल्दी बैठ पाता है, लेकिन गणित का और टेक्नोलॉजी के साथ में जो इंटीग्रेशन है वो आप उस समय सोच पाए और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इनोवेटिव अप्रोचेस तैयार की, वो तो काफी इंटरेस्टिंग रही होगी शुरुआत से ही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो होती हैं जो आपको नहीं समझ में आती कभी, और जब हम पढ़ा रहे थे तब भी शायद नहीं आती होंगी, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको बच्चों तक लेके जाते हैं तो वो जो क्लैरिटी आती है बच्चों में, जो मजा आता है बच्चों को पढ़ने में और जो हमें पढ़ाने में मजा आता है, वो उसका एक अलग ही तरीका है, उससे ही एक अलग इफेक्ट आता है पढ़ाई पढ़ने। तो उस समय का कोई एक्सपीरियंस याद है आपको कि आपने पहली बार मान लो कंप्यूटर में कुछ डिजाइन किया हो गणित में लेके, और फिर वो किस तरीके से डिजाइन हुआ हो और कैसे उसको क्लासरूम में लेके गए, कोई छोटा सा अनुभव? बिल्कुल, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स में, क्योंकि मैं 11th और 12th को मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो कैलकुलस जो है वो बच्चों के लिए बहुत एक बड़ा कहे तो हवा भी होता है कि ये तो, क्योंकि वो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट्स का, तो लिमिट जो होता है, लिमिट ऑफ फंक्शंस जो होता है, वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, हम डेफिनेशन दे देते हैं और सवाल करा देते हैं, बच्चे भी सीख जाते हैं, लेकिन वो असल में क्या चीज है वो उन तक नहीं पहुंच पाती। तो उसकी विजुअलाइजेशन, वो एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल के माध्यम से ही हमने शुरुआत करी थी, उसका ही इतना जबरदस्त
एनिमेशन बना हुआ था जो हमने नहीं बनाया क्योंकि हमको बनाने के लिए उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल है उसको ही अगर आप इस्तेमाल करें ठीक तरह से और उसको बच्चों तक पढ़ाएं तो उससे ही इतना असर हुआ था बच्चों में। मेरे को अभी भी याद है कि वो अभी भी जो मेरे 20 साल पहले पढ़ाए हुए बच्चे भी अगर कभी मिलते हैं तो कहते हैं कि वो वाला एग्जाम्पल से हमको वो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हुआ। तो डाइनर एग्जाम्पल हम उसे कहते हैं कि उससे हमको वो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एक छोटी सी विजुअलाइजेशन से इतना असर है। तो अगर वो विजुअलाइजेशन बच्चा खुद बनाता है या उसको हम मौका देते हैं बिल्कुल खाली पन्ना दिया और बोला कि आप खुद क्रिएट करो कुछ, तो उससे जो एक तरह से रिटेंशन होती है कॉन्सेप्ट की, क्लैरिटी होती है, वो बड़ी बढ़ती है। तो उसमें बड़ा मजा आता है देख के। तो मैम अभी आप कौन कौन सी टूल जो हैं उनको आप गणित शिक्षण में इस्तेमाल करते हैं? देखिए वही है कि जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है और बड़ी जल्दी बदल रही है तो टूल्स तो बदलते रहते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ध्यान इसमें रहता है कि वो टूल का फायदा क्या है, उसे मेरे को और बच्चों को क्या मिलेगा। तो टूल का जब चुनाव करते हैं तब ये या किसी एपलेट का जो चुनाव करते हैं वो इसलिए देख के चलते हैं कि हमारे बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट जो समझ नहीं आ रहा, जो बहुत ही वेग हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको विजुअलाइज करने के लिए। तो उसमें जो टूल्स आजकल अवेलेबल हैं और काफी सालों से अवेलेबल हैं उसमें एक ओपन सोर्स टूल है जियोजेब्रा। तो जियोजेब्रा मैथ्स के लिए तो शायद कोई भी टीचर से अब आज के टाइम में आप पूछेंगे तो वो जियोजेब्रा का नाम लेंगे। तो जियोजेब्रा मेरा एक फेवरेट टूल है। डेस्मोस ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर है लेकिन उसके अलावा भी वो बहुत कुछ करता है। तो डेस्मोस मेरा बहुत ही पसंदीदा एक टूल है जो मेरे बच्चों को भी बड़ा मजा आता है उसमें काम करने में। और गूगल, गूगल के जो एप्स हैं, गूगल के जितने गूगल फॉर एजुकेशन के जितने एप्स हैं उनको इस्तेमाल करना, बच्चों में थोड़ा मौका देना कि थोड़ा मिलके काम करें, कुछ नया क्रिएट करें, वो सब करने में बहुत फायदा रहता है। तो टूल्स ही सिर्फ नहीं लेकिन टूल्स को किस तरह इस्तेमाल करना है वो बदल रहा है टाइम। और मैथ्स के लिए जो मेन टूल्स हैं उसमें जियोजेब्रा और डेस्मोस के अलावा तो कह सकते हैं ऑनलाइन जितने भी आपको मिले, लेकिन ये दो मेरे प्रमुख रहते हैं। तो डेस्मोस जो आपने बताया वो आपका भी फेवरेट है और बच्चों का भी फेवरेट है, तो थोड़ा इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये टूल है क्या, इसके अंदर क्या है, तो बाकी शिक्षक साथी हैं वो भी शायद हो सकता है इसको एक्सप्लोर करें। बिल्कुल बिल्कुल। डेस्मोस वैसे देखा जाए तो पहले शुरुआत जब उसकी हुई थी तो वो एक ग्राफिंग कैलकुलेटर की तरह हुई थी, ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर। तो उसमें आप सिर्फ फंक्शन डालें और आपका ग्राफ उस फंक्शन का प्लॉट हो जाता है। साथ में आपको स्लाइडर्स भी मिलते हैं, जैसे आपने एक लाइन की इक्वेशन लिखी y इक्वल टू mx प्लस c, तो m का स्लाइडर बन गया, c का स्लाइडर बन गया, उसको आप चेंज करें तो आपको पता चलेगा कि लाइन पे क्या असर हो रहा है। तो ये तो एक उसका मामूली एक बहुत छोटे में अगर हम आपको इंट्रोडक्शन दें तो वो है, लेकिन हमने उसको जब ये कहाँ से सीखा वो ही, आप जितना खेलें टेक्नोलॉजी से आपको उतनी नई नई चीजें उसकी मिलती हैं। तो हमने देखा कि ट्विटर पे स्पेशली, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में ये बिलीव करती हूँ कि मेरे को सीखने को कहाँ मिलता है, सोशल मीडिया से। तो ट्विटर में हमने देखा टीचर्स जो हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों से आर्ट क्रिएट करने का, कुछ नया बनवाने का। तो वो हमने एक्सप्लोर करा और देखा कि मेरा जो 11th के बच्चे हैं जिनको कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस और डोमेन में, यहाँ पे डोमेन रेंज में इनमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसको अगर हम ऐसे कॉन्सेप्ट से समझाएं कि इसको यूज करो और कुछ नया बनाओ, तब उन्होंने इतने ब्यूटीफुल आर्ट वर्क बनाया बच्चों ने। ये मैं 2015 की बात कर रही हूँ जब मैंने बच्चों के साथ पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करा, और उससे लेकर आज तक हर साल कोई ना कोई, ये नहीं कहूंगी कि सारे, लेकिन 30 की अगर क्लास है उसमें से कम 5 या 8 बच्चे इतना बेहतरीन काम करते हैं उसमें, और वो इतना खूबसूरत आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं जिसको मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि बच्चे खुद कर पाएंगे, लेकिन वो करते हैं ऐसा। तो डेस्मोस ये तो एक उसका ग्राफिंग कैलकुलेटर उसका एक मेन पार्ट है जिसमें कोई भी टीचर उसको इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरा उसका एक हिस्सा है एक्टिविटीज का। तो एक्टिविटी बिल्डर है उसका, उसमें बनी बनाई एक्टिविटीज हैं, एक तरह से इंटरैक्टिव स्लाइड्स हैं। उसमें आप काफी मटेरियल बना हुआ भी होता है, आप खुद भी अपने बना सकते हैं,
और उसमें आप बच्चों को एक तरह से एक पेज पे कुछ आप उनको करने को दे रहे हैं, कुछ चीज वो बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ ड्रॉ कर रहा है, कोई फंक्शन डाल के उसकी वैल्यूज को एक्सप्लोर कर रहा है। इस तरह से वो सिलसिला बनता है और वो बच्चा कॉन्सेप्ट को सिर्फ उसको डेफिनेशन नहीं मिलती, वो बच्चा डेफिनेशन को डिस्कवर करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, कोई कंजेक्चर करता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये एक डेस्मोस एक्टिविटी बिल्डर में मिलती है। तो डेस्मोस ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर है और उसका दूसरा एक हिस्सा है ये एक्टिविटीज जो बहुत काम आ रही है, और स्पेशली आजकल जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए देखना चाहते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसमें भी डेस्मोस का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। तो ये सब डेफिनेटली मैं कहूंगी अगर मैथ्स टीचर्स जियोजेब्रा जानती हैं तो उसके अलावा भी वो एक्सप्लोर कर सकती हैं, और ये डेस्मोस तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त है और उसको जरूर देखना चाहिए और यूज करना चाहिए। तो एक चीज है कि गणित सीखना है ना, गणित की जो विषय वस्तु है वो सीखना, दूसरी चीज है कि गणित की विषय वस्तु क्यों सीखना है ना, कि वो जब तक क्लियर नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में ये फॉर्मूले जो है ये काम कहाँ आए। तो आपने एक चीज कोट किया कि आर्ट बनाने में किस तरीके से गणित का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि गणित असल में सीखनी क्यों है, ये सवाल अमूमन आता है। बिल्कुल, आर्ट का तो मैंने जो एक जो एग्जांपल दिया वो तो है ही, ये नहीं कहूंगी कि भाई आर्ट बनाने के लिए मैथ सीखते हैं, लेकिन मैथ से आर्ट भी बन सकता है ये समझना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। और वो उनकी ऐसा करने से जो मैंने देखा था कि मेरे बच्चों में एक तरह से जो समझ है एक कॉन्सेप्ट की वो बढ़ती है, और वो उसको कुछ बच्चे तो इतना इंट्रिगेट काम करते हैं जिसको देख के कई बार रियली ये सोचना पड़ता है कि कितना टाइम लगाया होगा उन्होंने। लेकिन जब हम वैसे काम देते हैं, कोई होमवर्क देते कि तुम 5 सवाल कर लो, तब वो शक्ल बनाते हैं, कई बार नहीं मन करता उनका बैठ के करने को प्रैक्टिस, लेकिन जिसमें उनका मन लगता है क्योंकि वो खुद इस चीज को डिस्कवर कर रहे हैं, तो उसमें एक तरह से बच्चे की जो स्किल है वो बढ़ रही है, ये सोच के कि इस ये करने से क्या होगा, तो क्या चेंजेस आएंगे, कैसे उसमें फंक्शन में क्या उसका रिलेशन है, कैसे मैं उसको चेंज करूं तो क्या शेप आएगी। तो ये सब चीजों से उनकी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ रही है, उनकी एनालिटिकल स्किल बढ़ रही है, तो वो सब चीजों का शायद फायदा ज्यादा होता होगा। क्योंकि ये सब चीजें जो है एक तरह से मैं उसका अनुमान ही लगा सकती हूँ, मेरे पास कोई रिसर्च नहीं है ये कहने के लिए कि ये करा तो उनके नंबर बढ़ गए, नंबर का यहाँ पे रिलेशन नहीं है, लेकिन उनके इंटरेस्ट बढ़ता है, उनका एक तरह से समझ उनमें बढ़ती है, और जो अगर वो किसी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझते हैं तो शायद वो जब भी कहीं भी उसको यूज करेंगे, चाहे वो आगे जाके कोई साइंस का कोर्स करें या नहीं करें, लेकिन कहीं पे भी मैथ्स देखेंगे तो वो घबराएंगे नहीं उस चीज से, तो शायद वो एक फायदा जरूर होता है ऐसी चीजों से। बिल्कुल मैडम, तो एक चीज तो है कि बच्चे जो हैं वो अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू गणित तो सीख रहे हैं, लेकिन अकेला गणित सीखना इस वर्तमान समय के लिए पर्याप्त नहीं है, और आपने अलग अलग अप्रोच लेके आए हैं आप क्लासरूम टीचिंग में। तो गणित की विषय वस्तु को छोड़ दे, कंटेंट को छोड़ दे, तो और कौन कौन सी स्किल आपको लग रहा है कि आपकी अप्रोच से उन बच्चों में वो डेवलप होती हुई आपको दिख रही है? जैसे मैंने अभी कहा क्रिएटिविटी, वो एक बहुत बढ़ती है बच्चों में, क्योंकि वो खुद बना रहे हैं, खुद विजुअलाइज कर रहे हैं, चाहे वो कोई बना बनाया है फिगर को ही रेप्लीकेट कर रहे हैं, लेकिन उसको देख कर वो बना रहे हैं और उसमें वो समझ ले रहे हैं, वो एक बड़ा फायदा रहता है। दूसरी चीज जो है वो उनकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती हैं, कि वो एक चीज का देख के वो उसको समझ पाते हैं, उसके अंदर उसको एक तरह से डीकम्पोज करके फिर उसको जोड़ते हैं दोबारा। तीसरी चीज जो है वो आज के टाइम में जो जितना भी ये बच्चे मिलके काम करते हैं उससे उनकी कोलैबोरेटिव स्किल्स, एक तरह से पेशेंस है उनमें दूसरे की बात सुनने का, और वो दूसरे के साथ मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट वर्क होते हैं जो वो बच्चे मिलकर करते हैं, तो उसमें वो एक स्किल जो है वो बड़ी बढ़ रही है। तो सिर्फ मैथ्स ही नहीं वो सीख रहे, लेकिन वो मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो एक छोटा प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी कोलैबोरेटिव स्किल्स जो है वो बढ़ रही है। तो ये सब चीजों से
आई थिंक आज के टाइम में सिर्फ मैथ्स ही नहीं सीखना, ये सब स्किल्स सीखना भी बहुत जरूरी होता है उनके लिए। मैम शुरुआत आपने हमने की थी गणित के साथ, जुड़ाव के साथ, है ना? तो आपका जुड़ाव किस तरीके से हुआ वो हमें बिल्कुल समझ में आया, और आपने जिस तरीके से काम किया वो भी एकदम दिख रहा है, लेकिन आपके स्कूल के बच्चों का किस तरीके का जुड़ाव है? स्कूल के बच्चों का देखा जाए तो क्योंकि मेरा यही रहा है पूरे, सिर्फ क्योंकि मैं अपने स्कूल में मैथ्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ, तो मेरे साथ जितने भी 15-16 टीचर्स काम करते हैं शायद उनपे भी मेरा असर हो गया है, तो वो भी मेरी तरह जितना अलग अलग तरीके से, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बाकी भी तरीके क्लासरूम में जो हम पढ़ाते हैं उसमें बदलाव ला के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक तरह से मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारे स्कूल में बच्चों को मैथ से डर नहीं लगता, तो ये एक बड़ी मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। और बाकी बच्चे खुशी से पढ़ते हैं, सीखते हैं, उत्सुक रहते हैं कि आज हमारे टीचर हमारे लिए क्या करेंगे क्लास में, तो वो एक साइन है, एक तरह से इंडिकेशन है कि हाँ बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट है और वो आगे जाकर अपनी जिंदगी में जरूर कहीं ना कहीं अच्छा काम करेंगे। और बहुत सारे हमारे बच्चे मैथ्स में आगे कर भी रहे हैं और उन्होंने रिसर्च भी कर रहे हैं, और बाकी इंजीनियर्स वगैरह तो हर स्कूल में ही होते हैं और हमारे भी हैं बच्चे जो मैथ्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम सबका, मेरा और मेरे डिपार्टमेंट में सब टीचर्स का यही एफर्ट रहता है कि बच्चे मैथ्स से घबराए नहीं, मैथ्स को खुशी से खेल के पढ़ें और अलग अलग तरीकों से लेकर पढ़ें। तो मैम जिस तरीके से आपने अपनी क्लासरूम में अलग अलग प्रैक्टिस की है, तो क्या आपने इस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश की है, या इस तरीके के अवसर आपको मिले हैं कि आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो वो तरीका बाकी लोगों के लिए भी कुछ फायदेमंद हो? जी बिल्कुल, मैंने पूरी तरह से कोशिश करी है कि जितना मैंने सीखा है वो मेरे तक नहीं रहे। मेरे साथ जितने टीचर्स मिलते हैं जो हमारे स्कूल के हैं उनको तो हम सिखाते ही हैं, लेकिन मैंने अपने जब भी मौका मिला, और मैंने मौके क्रिएट भी करे जहां मैंने ऐसी वर्कशॉप्स कंडक्ट करी हैं टीचर्स के लिए दिल्ली के और दिल्ली के आसपास, तो बिल्कुल मौका मिलता ही है, और कहीं बाहर कॉन्फ्रेंस वगैरह में अगर मौका मिलता है तो वहां जाकर भी मैंने टीचर्स को अपने साथ जितने भी जो जो चीजें मैंने सीखी हैं, जैसे जियोजेब्रा का मैंने बोला, डेस्मोस का बोला, गूगल एप्स का बोला, ये सब के बारे में मैंने जाके टीचर्स की ट्रेनिंग करी है। तो एक तरह से पिछले कुछ सालों में देखें तो मैं टीचर और ट्रेनर दोनों हूँ, और गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, क्योंकि गूगल के जो जितने एप्स हैं वो सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं सिर्फ मैथ्स के ही टीचर्स को नहीं, बाकी भी टीचर्स को जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं उनको भी मैं सिखा पा रही हूँ। तो ये एक तरह से अब मेरा एक कहते हैं ना, मैथ्स में तो इंटरेस्ट है ही, तो मैथ्स के टीचर तो हूँ, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की टीचर और ट्रेनर अगर मैं कहूँ अपने आप को तो मैं अब ज्यादा हो गई हूँ। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब टीचर्स, जब जिन्होंने कभी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करा हुआ, जब वो इसका एक बार इस्तेमाल करती हैं उसको इनका असर पता चलता है तो उनमें कितना चेंज आता है, और वो आगे जाकर अपने बच्चों के लिए नया नया तरीका ढूंढते हैं पढ़ाने का, तो उससे मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और यही मेरा कोशिश रहती है कि मैं टीचर्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचूं। और अभी हमने एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी शुरू करा है गूगल एडुकेटर्स ग्रुप का, जो दिल्ली और एनसीआर टीचर्स के लिए, ताकि हम ऑनलाइन अब उनको ट्रेनिंग दे सकें टीचर्स को जो हमारे प्रोग्राम अटेंड करें या बाद में रिकॉर्डिंग देखें, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो उसमें मैथ्स के लिए भी होगा लेकिन बाकी टीचर्स के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी ज्यादा उनको मौका मिले सीखने का, नई चीजें नए तरीके वो उनके लिए हम लेके जाएं। और हमने ये भी देखा कि आपने काफी सारा कंटेंट भी बनाया है मैथ को लेके, और आपकी कोई ब्लॉग या वेबसाइट भी है जहां से बाकी टीचर उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका भी अगर आप थोड़ा बता पाए कि कहां से टीचर एक्सेस कर सकते हैं उसको। जी मेरा अपना वेबसाइट है टेक प्लस मैथ्स, तो
तो टेक प्लस मैथ्स, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी और मैथ्स दोनों में इंटरेस्ट लेती हूँ और दोनों का ही काम करती हूँ, तो जितनी कोशिश होती है कि जितना कंटेंट अगर बनता है वो टीचर्स तक पहुंच पाए या उसको एक्सेस कर पाए। अदरवाइज जियोजेब्रा की वेबसाइट में भी काफी एप्लेट्स जो बनते हैं मेरे वो वहां पे भी मिल जाते हैं, क्योंकि जियोजेब्रा की वेबसाइट खुद ही बड़ी पावरफुल है, किसी के लिए भी वो ओपन है। और बाकी एनसीईआरटी के जितने वीडियोस बने हुए हैं वो एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है उनका, या एनआरओईआर में देखें या अपना ई पाठशाला उसमें भी मिलेंगे। और यहाँ तक इनफैक्ट जो पुराने हमारे वीडियोस बने हुए हैं वो अगर आप एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं क्लास में ऊपर चैप्टर के नाम के ऊपर एक क्यूआर कोड है, तो आप उस क्यूआर कोड को अगर स्कैन करें तो उसमें भी कुछ मेरे वीडियोस मिलेंगे जो एनसीईआरटी सीआईटी एनसीईआरटी के साथ तैयार किए गए हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जितना जो कुछ भी बन रहा है कंटेंट वो ज्यादा से ज्यादा टीचर्स उसका इस्तेमाल कर पाए। मैडम सीखने की कोई उम्र है क्या आपको? देखिए मैं तो चलता फटता एग्जाम्पल हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारे आसपास जो बदलाव आ रहा है उसके साथ में अपने आप को बदलते रहना, ये मेरा मोटो है। और मैं एक ही चीज को सेम तरीके से ना पढ़ा के उसको अलग अलग पढ़ा के अपने आप को एक्टिव रखती हूँ। और आई थिंक सीखने का तो कोई उम्र नहीं रहती है, वो आप जब चाहें अपने आप को बदल सकते हैं और आप नई चीज सीख सकते हैं, ये मेरा एक तरह से विश्वास है। एक चीज ये भी आपसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आने वाला जो समय है उसमें जो टीचर्स होंगे उनको किस तरीके की स्किल एंड कॉम्पिटेंसी में अपडेट होने की जरूरत है? देखिए जैसे मैंने अभी कहा और आपने ही कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती राइट, तो एक टीचर का ना एक हमारा जैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ एक तरह से कहूँ तो मैं 30 साल से ऑलमोस्ट सेम ही चीज पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं उसी चीज को सेम तरीके से ही पढ़ाऊँ हर साल हुई तो आई थिंक मैं एज अ टीचर जो है वो कहीं ना कहीं कोई क्वालिटी में भी फर्क आ जाएगा, शायद मेरा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं टीचर्स के लिए स्किल कहूँ तो मैं उनको यही कहूंगी कि अपने को समय के साथ बदलते रहना, यही सबसे बड़ी हमारी आज का चैलेंज है और हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरा टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट तो करना ही है, एम्ब्रेस करना है, उसके साथ में ये नहीं कहना कि नहीं जो मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ उसको मैं क्यों दूसरी तरह से पढ़ाऊँ। तीसरी चीज जो मैं कहूंगी आज के टाइम के लिए जो जरूरी है वो है अपना माइंडसेट को बिल्कुल बदल देना है और अपने को ओपन रखना है नए आइडियाज के लिए, और जो हमारे आसपास टीचर्स हैं बाकी टीचर्स हैं उनसे हमें सीखना है। हमको अपने को ये नहीं कहना कि मैंने जो करा वो सबसे सही करा, बाहर लोग क्या कर रहे हैं इसको समझना, अपने स्कूल में, अपने स्कूल के बाहर, देश के बाहर, देश के अंदर सबसे सीखना है और वो एक कोलैबोरेशन में काम करना है। तो जैसे हम बच्चों के लिए कह रहे हैं कोलैबोरेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, टीचर्स के लिए भी आई थिंक वो बहुत बड़ी स्किल है जो हमको शायद बहुत फायदा देगी। संगीता जी हम आपसे उस कहानी को भी अब सुन ही लेते हैं लगे हाथों कि आपको कभी प्राउड फील हुआ हो और अपने ही काम को करके और फिर उस प्राउड के बाद एक नई जर्नी शुरू हुई हो, तो उस तरीके का अनुभव अगर है। ऐसा कुछ कहना बहुत मुश्किल है, मैंने इतना कोई बड़ा काम नहीं करा है जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करूं, लेकिन हाँ एक का ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैंने कुछ टीचर्स को मैं मिली और वो टीचर्स थे वो हिमाचल प्रदेश में बड़े रिमोट एरिया में पढ़ाते हैं, तो वो भी किसी ऐसे ही वर्कशॉप में हम मिले उन्हें और उन्होंने एकदम मुझे देखते हुए मेरे पांव छुए, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो आपको जानती भी नहीं और आप मतलब, कहते नहीं आप हमारी गुरु हैं। मैंने कहा कैसे है सर, मैं तो आपसे कभी मिली भी नहीं। कहते नहीं आपका वो एक थ्री डायमेंशन वाला हमारा चैप्टर होता है 12th का, कहते उसका वीडियो हम रोज जब भी मेरे को वो टॉपिक पढ़ाना होता है मैं सालों से उसको इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जिस तरह से आपने वो सवाल करा था एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ स्क्यू लाइंस होता है कॉन्सेप्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है पढ़ाने में भी मुश्किल लगता है टीचर्स को, कहते हैं वो जो आपका वीडियो था वो मैंने बच्चों को हर बार जब भी मुझे मेरे को पढ़ाना होता है मैं साल में आपका वाला वीडियो दिखा के पढ़ाता हूँ। तो वो मेरे को तब बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगा कि हमने जो भी काम करा है
ऑफकोर्स सीआईटी एनसीईआरटी के साथ करा है, लेकिन वो वीडियो इतने दूर बैठे हुए बच्चों को इतने सालों से उनका फायदा हो रहा है, और वो जो टीचर हैं उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज करा और मुझे इज्जत दी, तो मेरे लिए वो एक जो दिन था और जो ये इंसिडेंट था वो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है। तो बातचीत को विराम देने की तरफ चलते हैं मैम, तो डिजिटल टीचर कहानी के अगले एपिसोड के लिए आप किन लोगों को नॉमिनेट करना चाहेंगे जिनके साथ हम जुड़ सके अगले एपिसोड में? बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये कि हम और नए कुछ टीचर्स को सुने, और इस प्रोग्राम में नए तो नहीं है वो बहुत जानी मानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और वो भी एक गणित की शिक्षिका है, ये है श्रीमती रश्मि कथूरिया। तो रश्मि कथूरिया जी दिल्ली में कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में पढ़ाती हैं, काफी टाइम से पीछे 20-25 साल से वो पढ़ा रही हैं, लेकिन वो शायद देखा जाए तो मेरे नजर में वो एक ई टीचर या डिजिटल टीचर 20-25 साल से है, और वो बहुत नामी है, बहुत उन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि सब लोग आपके मीडियम के थ्रू उनके बारे में जाने, उनसे बातें करें, क्योंकि वो सिर्फ मैथ्स की ही टीचर नहीं है, वो बहुत ही एक पॉजिटिव पर्सन है और उनके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। तो जरूर मैं चाहूंगी कि आप रश्मि कथूरिया जी से बातचीत करें। जरूर जरूर बिल्कुल मैम, हम उनको भी अभी बोल दे रहे हैं कि वो तैयार हो जाए, अगली कड़ी में उनके पास ही आ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ संगीता जी की स्टोरी आपके लिए भी इंस्पायरिंग रही होगी। बातचीत को इस सवाल के साथ विराम देते हैं, क्या आप भी शिक्षण कार्य में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो अभी टेक्नोशाला फाउंडेशन से संपर्क करें और बने डिजिटल टीचर कहानी का हिस्सा। इसी तरीके की इंस्पायरिंग कहानी सुनने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं अगले शनिवार दोपहर 2 बजे।